अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो हमारी आगे वाली आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक जो अभी पर्यावरण को लेकर जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो पहुँचे उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है इसी क्रम में एएमए हर्बल जो है फैक्ट्री है सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फैक्ट्री काफ़ी लंबे पहले आपने शुरू की थी समय पहले क्या आइडियाज़ थे सर क्योंकि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दो हज़ार में हमने फैक्ट्री शुरू की थी और अभी हमें छब्बीस साल हो गए हैं उस वक्त सिर्फ ये सोचती जहाँ उन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू किया था टेक्सटाइल डाइज को बनाना शुरू किया था तो नेचुरल डाइज एक एजो डाइज होती थी जिसको बैन किया था जर्मनी ने और वो एजो डाइज जिसमें भी होती थी वो नुकसानदेह होता था तो हमारे प्रोडक्ट उससे फ्री थे इसको लेके शुरू किया था लेकिन जब हम इसकी तफसील में गए तो ये पता लगा कि नेचुरल डाइज के इस्तेमाल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पोलूटेंट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकती है जो इनके इफ्लूएंट हैं जिसमें उनको टी डी एस का बी ओ डी सी ओ डी और पी एच के इशूज़ आते हैं वो नेचुरल डाई को यूज़ करने से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं तो नेचुरल डाई के इस्तेमाल से जो पानी उनका इफ्लूंट खराब हो रहा है वो ठीक हो सकता है इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हमारे होते हैं उनके इस्तेमाल से जो केमिकल डाइज बनती हैं उससे जो इफ्लुएंट आ रहा है जो पोलूशन बन रहा है उस सबसे निजात मिलती है और उससे बेनिफिट मिलता है फॉर एक्जाम्पल अगर हम सिंथेटिक इंडिगो बनाते हैं तो एक किलो सिंथेटिक इंडिगो बनने में 10 किलो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्र, प्र, प्रोड्यूस होता है जबकि एक किलो नेचुरल इंडिगो जब बनाते हैं तो 680 ग्राम कम होता है तो एक अगर इंडस्ट्री के पैमाने पे देखें तो एक होता है क्लाइमेट नेगेटिव इंडस्ट्री जो क्लाइमेट को नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है एक होता है क्लाइमेट न्यूट्रल जो ना बेनिफिट कर रहा है ना नुकसान पहुंचा रहा है और एक होता है क्लाइमेट पॉजिटिव तो केमिकल डाइज जो है वो क्लाइमेट नेगेटिव इंडस्ट्री हैं और हमें क्लाइमेट पॉजिटिव हैं तो हम केमिकल डाइज के रिप्लेसमेंट से टेक्सटाइल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से सस्टेनेबल और नेचुरल बना और इको फ्रेंडली बना सकते हैं सर बिजनेस का मेन मोटो सर प्रॉफिट होता है लेकिन जैसा आपने बताया और जैसा एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि एमए हर्बल जो है वो लगातार काम कर रही है इन्वायरमेंट को देखते हुए तो सर इसको कैसे डिफाइन किया जाए लोगों तक आप लगातार प्रोडक्ट्स पहुँचा रहे हैं वो कौन से सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं सर जिनकी डिमांड लगातार आ रही है अच्छा सवाल है देखिए सबसे पहले बिजनेस का एक मकसद दुनिया में समझा जाता है पैसा कमाने की एक तरतीब है या एक अपना एक्सरसाइज है जिससे पैसा कमाया जाता है हाँ पहली वही होती है क्योंकि सर्वाइवल सबसे पहले जब तक पेट नहीं भरा होगा आदमी कुछ नहीं कर सकता बट उसके साथ साथ आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे ये देखने की ज़रूरत है कि एववायरमेंट पे सोसाइटी पे एंड इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जैसे हम अनार का छिलका यूज़ करते हैं दुनिया अनार इस्तेमाल करती है अनार के बाद छिलके को फेंक देती है छिलके का को कोई इस्तेमाल नहीं है लेकिन हम उस छिलके को यूज़ करते हैं उस छिलके के इस्तेमाल से लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है इसके साथ साथ जैसे टेसू का फूल है टेसू जो पेड़ों से गिर जाता है फूल उसका उस फूल को हमारे यहाँ जब औरतें कलेक्ट करती हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और उस फूल के इस्तेमाल से जो रंग बनता है उस रंग के बनने में ना तो कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी इस्तेमाल होती है ना कोई बहुत ज़्यादा पावर कंजमशन होते हैं होते हैं बट कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द केमिकल इंडस्ट्री और जो उसके बाद प्रोडक्ट बनता है उससे डाइंग इको फ्रेंडली बन जाती है तो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनता है इसमें सोसाइटी को बेनिफिट होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है क्योंकि नेचुरली जो वेस्ट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कत्था बनता है कत्था बनने के बाद एक काला कच्छ कहलाता है वो काला कत्था भी कहते हैं वो एक रेजडियू है उसका जिसका कोई इस्तेमाल नहीं लेकिन हम उसको डाइस बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से एक और प्रोडक्ट होता है जिसे शैलक कहते हैं लाख के कीड़े से जो बनता है जिसे हम चपड़ा कहते हैं या लाख की चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब लोग जानते हैं उसको बनने के बाद एक लैक मड होता है उस लैक मड का कोई इस्तेमाल किसी के पास नहीं होता लेकिन लैकमड हम लेके आते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करने से इन्वायमेंट में भी बेहतर होता है नेचुरल वेस्ट भी पैदा होता है तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हम प्लान करते हैं उसको यही देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है इससे कोई इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब तो नहीं है और इसके इस्तेमाल से इन्वायरमेंट पे सोसाइटी पे इकोनॉमी पे क्या बेनिफिट हो रहा है इन तीनों चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं और हम एक सी एक्टिविटी में भी बहुत फोकस करते हैं हमारा एक चैरिटेबल एक्सटेंशन यहीं पीछे अगर आप देखें तो एक हॉस्पिटल है जो गरीबों के लिए काम करता है जिसकी आमदनी सत्तर हज़ार से कम है उस आदमी को यहाँ पर फ्री मेडिकल इलाज मिलता है एनी बडी कम एंड डू इट कैन टेक दिस बेनिफिट उसके अलावा हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं एक बच्चों को लेडीज को पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल चाहिए माऊ में चलता है मेरी सिस्टर देखती हैं वो भी हम लोग करते हैं तो इस तरह के चैरिटेबल एक्सटेंशन भी हम लोग देखते हैं जिससे कि हम सोसाइटी को भी बेनिफिट दे सकें सर ये में हर्बल लगातार इन्वायरमेंट को देखते हुए काम कर रही है सर अभी आपने जल्दी में एक हर्बल जींस लॉन्च किया उसके बारे में हर्बल जींस नहीं है नेचुरल इंडिगो एक कलर है जो कि किसी भी जींस में लगाया जा सकता है और उस जींस से उसको इस्तेमाल करने से जैसे मैंने बताया कि केमिकल इंडिगो रिप्लेस होगा नेचुरल से और जब वो रिप्लेस होगा तो आपको ओजोन डिप्लीशन में भी बेनिफिट मिलेगा ह्यूमन टॉक्सिसिटी इको टॉक्सिसिटी में भी बेनिफिट मिलेगा कार्बन फुटप्रिंट भी कम जनरेट होंगे और डेनिम जो कि इस वक्त एक ऐसी इंडस्ट्री देखी जाती है जो पॉलूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है क्योंकि उसमें बहुत केमिकल का इस्तेमाल होता है खासतौर पर फिनिशिंग के एरिया में वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हमारे प्रोडक्ट को लेकर आ जाने मिल जाते हैं इसीलिए इस इंडिगो इस डेनिम को जो कि नेचुरल इंडिगो से बनता है ग्रीन डेनिम कहा जाता है सर एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे सर क्योंकि सेव इन्वायरमेंट जो है सर लगातार चलता है इन्वायरमेंट डे आता है लेकिन देखा ही जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इन्वायरमेंट डे वाले दिन ही एक्टिव होते हैं आप लगातार इन्वायरमेंट को देखते हुए लगातार आपके हलबर्ट प्रोडक्ट जो है सर लोगों तक बेनिफिट पहुँचा रहे हैं आपने तमाम सारी चीज़ें बताई हैं हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे देखिए लोग आमतौर पर इस वक्त सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो मीडिया में आ जाते हैं वो पहचान बन जाते हैं वो एक सस्टेनेबिलिटी को और इन्वायरमेंट को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के आ रहे हैं समझना यह चाहिए कि इन्वायरमेंट हो सस्टेनेबिलिटी वो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी जिम्मेदारी है पेड़ लगाना आपकी जिम्मेदारी कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है आपको लगाना है सोसाइटी को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी कोई देख रहा है नहीं देख रहा है आपको करना है इकोनॉमी को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी कोई देख रहा है नहीं देख रहा है आपको करना है जब आप इससे जाएंगे तो ये काम आप जो एक दिन करते हैं आप साल भर करेंगे और जब साल भर करेंगे तो सोसाइटी और एन्वायरमेंट तो बेटर हो ही जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया सर तो ये थे हमारे साथ यावर अली शाह जी जो कि ए हर्बल के सी हैं इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एम ए हरबल जो है वो लगातार ऐसे उत्पाद बना रही है जो पूरी तरह से हर्बल हैं और पूरी तरह से लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो उसको ध्यान रखते हुए उन सभी चीजों का लगातार निर्माण किया जा रहा है इसके साथ ही इन्वायरमेंट को लेकर भी हमें हर्बल जो है वो लगातार एक्टिव है सक्रिय है विजय अनुराग के साथ डेली हूं लखनऊ यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इन